नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल ट्रैवल नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम मुंबई के प्रसिद्ध समुद्र तटों के बारे में जानकारी लेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो के माध्यम से नए नए पर्यटन स्थल की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। भारत देश के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई शहर भारत के पश्चिमी तट पर कोकण तटीय क्षेत्र में उल्लास नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका गठन लावा निर्मित सात छोटे छोटे द्वीपों द्वारा हुआ है। यह पुल द्वारा प्रमुख भूखंड के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें सेलसेट द्वीप का अधिक भाग है और शेष भाग ठाणे जिले में आते हैं। अधिकांश नगर समुद्र तल से जरा ही ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई 10 मीटर से 15 मीटर के बीच है। उत्तर मुंबई का क्षेत्र पहाड़ी है, जिसका सर्वोच्च स्थान 450 मीटर है। नगर का कुल क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है। मुंबई भारत देश का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिमी देशों से जलमार्ग या वायुमार्ग से आने वाले जहाज यात्री एवं पर्यटक सर्वप्रथम मुंबई ही आते हैं, इसलिए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे पहले सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता था, मुंबई महानगर क्षेत्र की सेवा करने वाला प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह सीएसटी स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट विले पार्ले ईस्ट में है। मुंबई छत्रपति शिवाजी के दो टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1A जो एयर इंडिया की सेवा करता है और टर्मिनल 1B जो इंडिगो जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और गो एयर जैसी अन्य एयरलाइंस की सेवा देता है। मुंबई का निकटतम रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। मुंबई शहर से 12.3 किलोमीटर दूर पश्चिमी राजमार्ग के माध्यम से यह स्टेशन शेष भारत से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के अलावा मुंबई सेंट्रल और लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन है, जो मुंबई शहर की सेवा करते हैं। मुंबई की अंदरूनी यात्रा के लिए सस्ती लोकल ट्रेन सेवा एक और विकल्प मौजूद है। मुंबई राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बस द्वारा मुंबई की यात्रा व्यक्तिगत पर्यटक के लिए सबसे किफायती है। सरकारी और निजी बसें इस मार्ग के लिए दैनिक सेवाएं संचालित करती हैं। मुंबई बस स्टैंड शहर के केंद्र में स्थित है। मुंबई से कार द्वारा यात्रा करना यात्रियों द्वारा की गई आम पसंद है। इस यात्रा के लिए कोई भी आसानी से मुंबई कार या कैब किराए पर लेने का विकल्प चुन सकता है। मुंबई महानगर और उसके आसपास के क्षेत्र में अनेक पर्यटन स्थल हैं। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और शानदार अरब सागर से घिरा होने के कारण मुंबई में कई समुद्र तट है। आज हम इस वीडियो में मुंबई के 5 प्रसिद्ध समुद्र तटों के बारे में जानकारी लेंगे। गोराई बीच। महाराष्ट्र में गोराई बीच एक लोकप्रिय प्रवेश द्वार है। भारत में यह समुद्री तट मुंबई के उत्तरी भाग में स्थित है। गोराई बीच तक पास के मारवे बीच से एक नौका सवारी के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। गोराई बीच से हम मलाड बीच जैसे बहुत से प्रसिद्ध टूरिस्ट लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। मलाड बीच गोराई बीच से अंदाजे 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निसर्ग प्रेमियों को गोराई बीच अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करता है। इस समुद्र तट पर रात भर रुककर आप समुद्र तट की करिश्मा सुंदरता महसूस कर सकते हैं। महान नाइट लाइफ संस्कृति के कारण यह समुद्र तट जोड़े से लेकर बच्चे या परिवार तक के पिकनिक समूह का ध्यान आकर्षित करता है। पहाड़ियों पर सूर्यास्त और सूर्योदय का अवलोकन करते हुए कोई भी प्रकृति के चमत्कारों को देख सकता है। गोराई समुद्र तट शांत समुद्री हवा और समशीतोष्ण तापमान का आनंद देता है। इस समुद्र तट पर ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन समग्र मौसम की स्थिति अच्छी रहती है। इस समुद्र तट पर विंटर में ज्यादा ठंड नहीं होती और समर में ज्यादा गर्मी नहीं होती। इस समुद्र तट पर मानसून का जल्दी स्वागत करता है और पर्याप्त वर्षा को देखता है। कई विजिटर्स पेड़ों की छाया के नीचे रहते हैं और लहरों से लगातार खेलने का आनंद लेते हैं। इसके अलावा बाइक चलाने और ऊंट और घोड़ों की सवारी का आनंद लेने का विकल्प यहाँ मौजूद है। अगर मौसम अनुकूल रहा तो नाव की सवारी भी कर सकते हैं। इस समुद्र तट पर कई प्रकार के फेरी वाले स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड और अन्य सामान बेचते हैं। मुंबई के प्रसिद्ध स्नैक्स के अलावा समुद्र के ताजा पकड़े हुए फूड्स का स्वाद चख सकते हैं। इस समुद्र तट पर राज्य के रंगीन त्योहार जैसे होली और गणेश विसर्जन जोरदार तरीके से मनाते हैं।
गोराई बीच तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन मलाड और बोरीवली है, जो मुंबई लोकल की पश्चिम लाइन पर स्थित है। वर्सोवा बीच। मुंबई में वर्सोवा बीच जुहू बीच की तरह ही मुंबई में एक लोकप्रिय समुद्र तट है। वर्सोवा मुंबई में एक समुद्र तट गांव है जो उपनगर अंधेरी में स्थित है। मछली पकड़ने वाले समुदाय की बड़ी आबादी इस क्षेत्र में रहती है। यह समुद्र तट गांव सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और अपने प्रत्येक त्यौहार अनोखे तरीके से मनाता है। इस कोली समुदाय का महत्वपूर्ण त्यौहार कोकोनट डे है। इस दिन समुद्र देवता को सोने के नारियल चढ़ाए जाते हैं। गांव को समुद्री लहरों से सुरक्षित रखने के लिए इस समुद्र तट को विशाल चट्टान शिलाखंडों द्वारा अलग किया गया है। इस समुद्र तट पर फूड स्टॉल या फूड कोर्ट नहीं है। इस समुद्र तट पर कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं है। यहाँ कई अच्छे होटल्स है जहाँ आप ठहर सकते हैं और समुद्र तट के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। ऐतिहासिक काल में वर्सोवा को कभी आदर्श बंदरगाह माना जाता था। अरब और पुर्तगाली यहाँ कुछ समय के लिए बस गए। इस गांव पर पुर्तगाली का काफी समय से कब्जा था। बाद में यह गांव अंग्रेजों को सौंप दिया गया। इस समुद्र तट के लिए निकटतम बस स्टेशन अंधेरी में है। अंधेरी स्टेशन वर्सोवा बीच के लिए निकटतम स्थानीय ट्रेन स्टेशन है। चर्चगेट स्टेशन से सांताक्रूज स्टेशन या विले पार्ले स्टेशन से समुद्र तट तक पहुंचने के लिए एक ट्रेन भी जाती है। मारवे बीच। महाराष्ट्र राज्य में स्थित मुंबई शहर के पास मलाड के उपनगर में मारवे बीच बसा है। यह दर्शनीय आकर्षण के साथ एक सुंदर पर्यटन स्थल है। मजबूत ज्वार और धाराओं के कारण समुद्र के पानी में तैरने और शाम को एक तरफ चलने की यहाँ मनाई की जाती है। काजू के पेड़ और सुंदर विलाओं से घिरा यह समुद्र तट अपने प्रियजनों के साथ कुछ शांत समय बिताने के लिए आकर्षक स्थान है। विवाहित जोड़े, कॉलेज ग्रुप्स और परिवार इस बीच पर रोमांटिक और सुखद पलों का अनुभव करने के लिए अक्सर विजिट करते हैं। मुंबई के कैथोलिक मूल निवासियों द्वारा बसा यह समुद्र तट आपको गोवा के समुद्र तट जैसा अनुभव देता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का रहन सहन और गोवा के लोगों का रहन सहन एक जैसा ही है। इस समुद्र तट पर एक छोटा प्राचीन पुर्तगाली चर्च है जो पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। इस समुद्र तट पर गोराई, मंदोरी समुद्र तट और एसेलवर्ड तक पहुंचने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है, तथा विभिन्न स्थलों तक पहुंचने के लिए एक गेटवे के रूप में भी कार्य करता है। यह समुद्र तट साफ सुथरा है और पहाड़ियों की उपस्थिति के कारण चारों ओर सुंदर प्राकृतिक दृश्य और सूर्यास्त का दृश्य प्रस्तुत करता है। इस समुद्र तट की चौड़ाई कम होने के कारण यह पर्यटकों की बहुत ज्यादा आवाजाही प्रतिबंधित की है। मारवे समुद्र तट का नजदीक का रेलवे स्टेशन मलाड पश्चिम रेलवे स्टेशन है, जो पश्चिम रेलवे लाइन पर है। इस रेलवे स्टेशन से आप बस या ऑटो रिक्शा से इस समुद्र तट तक पहुंच सकते हैं। मद आइसलैंड बीच। मद आइसलैंड बीच मुंबई के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटों में से एक है। यह समुद्र तट मुंबई के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित छोटे गांव और खेतों के समूह से बना है। यह तट मैंग्रोव से घिरा हुआ है, जो न केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता को जोड़ता है बल्कि समुद्र तट को मुख्य भूमि से अलग करता है। शहर के जीवन हलचल से एक ब्रेक लेने के लिए मुंबई में लोग अक्सर दोस्तों और परिवारों के साथ इस समुद्र तट पर जाते हैं। यह शांत समुद्र तट भव्य पार्टियों के आयोजन के लिए एक आदर्श स्थल है। इस शानदार स्थल पर कई बॉलीवुड फिल्म सोप ओपेरा भी शूट किए गए हैं। इस समुद्र तट पर डीजे द्वारा बजाए जाने वाली उत्तम दर्जे की बीट्स और धुनों का भी आनंद ले सकते हैं। इस तट पर स्थित लोकप्रिय 5 सितारा होटल से पर्यटक समुद्र तट के शानदार दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। खाने के शौकीन 5 सितारा होटल के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। मुंबई शहर से लोकल ट्रेनों में सवार होकर आसानी से मद आइसलैंड बीच तक पहुंचा जा सकता है। समुद्र तट के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन मलाड जिले में स्थित है। एक बार जब आप मलाड स्टेशन पर उतर जाते हैं तो आप इस स्थल तक पहुंचने के लिए स्थानीय परिवहन का विकल्प चुन सकते हैं। अक्सा बीच। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के पास स्थित अक्सा बीच शांत वातावरण के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह समुद्र तट मलाड में स्थित अक्सा गांव में स्थित है, जो मुंबई के उपनगर मालवनी के पास है। यह समुद्र तट छुट्टियों का आनंद लेने के लिए एक पोषित स्थान के रूप में कार्य करता है। यह समुद्र तट काफी सुनसान है और सुरम्य प्राकृतिक सुंदरता इसे घेरती है। कम से कम देखे जाने वाले समुद्र तटों में से
एक होने के कारण अक्सा बीज अभी भी अपनी अदम्य सुंदरता को बरकरार रखता है। अक्सा बीज बहुत साफ है और स्वच्छ होने के कारण प्रतिष्ठित है। इस समुद्र तट पर विजिटर्स शंख और घोंघे की विविधता को देख सकते हैं। यंगस्टर्स इस प्यारे वीकेंड डेस्टिनेशन को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। इसके एक सिरे पर INS हमला नामक भारतीय नौसेना का एक बेस भी है। सुखद समुद्री हवा, शानदार शाम की जलवायु और चमकदार सूर्यास्त के साथ यह समुद्र तट एक अद्भुत पर्यटन स्थल है। समुद्र तट के पास गांव के वातावरण की अनुभूति भी आकर्षक है और यह शहर की भीड़भाड़ और प्रदूषण से काफी हद तक निजात दिलाता है। इस समुद्र तट के आजू बाजू में नारियल के पेड़ है जो सूरज के सुखदायक रंगों को प्रदान करते हैं। समुद्र तट के पास छोटे सुंदर हट्स के साथ कई मछुआरे भी रहते हैं। समुद्र तट का रेतीला विस्तार एक आकर्षक स्थलाकृति बनाता है। अक्सा बीच की प्रकृति फोटोग्राफर के लिए एक स्वर्ग है। पर्यटकों को लुभाने के अलावा इस समुद्र तट ने कई वर्षों में कई बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं को अपने ओर आकर्षित किया है। हिंदी फिल्म के कुछ दृश्य जैसे सागर, गॉड टू सिगरेटो यह शूट किया गया है। इस समुद्र तट पर विजिटर्स के लिए कई होटल्स और निजी कॉटेज आरामदायक आवास प्रदान करते हैं। यह समुद्र तट बोरीवली रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर और मलाड रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र तट मुंबई शहर से 27 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार आज हमने मुंबई के प्रसिद्ध समुद्र तटों के बारे में जानकारी ली। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।